24। रायगढ़ जिले के लैलुंगा में निवासरत एल्डरमैन मदन मित्तल एवं उनकी पत्नी अंजू मित्तल की निर्मम हत्या की गुत्थी को रायगढ़ पुलिस द्वारा सुलझा ली गई है। हत्याकांड में चार नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं एक फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी पुलिस द्वारा पतासाजी की जा रही है। रायगढ़ जिले के थाना लैलुंगा क्षेत्र अंतर्गत 22 एवं 23 सितंबर की मध्य रात्रि पत्थलगांव रोड में निवासरत एल्डरमैन एवं व्यवसायी मदन मित्तल और उसकी पत्नी श्रीमती अंजू मित्तल की निर्मम हत्या की गुत्थी को रायगढ़ पुलिस द्वारा घटना के 3 दिनों बाद सुलझा लिया गया है। घटना को अंजाम देने वाले 4 नाबालिग बालक व एक बालिक आरोपी अक्षय प्रधान को रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। घटना को कुल 6 लोगों द्वारा मिलकर अंजाम दिया गया था, वहीं एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए 5 लोगों से चोरी में प्राप्त नकदी रकम खर्च करने के बाद 80,000 रुपए नकद बरामद भी किया गया है। फरार आरोपी, जिसके पास से मित्तल दंपति के मकान से चोरी हुआ बैग और कुछ नकदी रकम बरामद होने की संभावना पुलिस द्वारा जताई जा रही है। जांच टीम को आरोपियों ने बताया कि 22 सितंबर की दोपहर गांव में संदीप उर्फ कोंदा, अक्षय प्रधान मुंडू और 4 नाबालिग बालक रात को लैलुंगा जाकर चोरी करने का प्लान बनाए थे। आरोपी अक्षय प्रधान और सभी आरोपी एक साथ बैठकर गुटखा पाउच खाते थे। आरोपियों के प्लान अनुसार 3 लड़के जो पहले लैलुंगा पहुंचे थे, साई पेट्रोल पंप के पास चखना दुकान में चोरी किए और वहां से गुटखा, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक आदि लेकर सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे पहुंचे, जहां इन्हें उनके 3 और साथी अक्षय प्रधान उर्फ कोंदा और एक बालक मिला। सभी लड़के क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते थे। वे आसपास मकानों को झांके और निर्माणाधीन मकान के पास वाले मकान मदन मित्तल के मकान में बांस के सहारे ऊपर रोशनदान तक 2 लड़के पहुंचे। ब्लेड से रोशनदान को काटकर 2 लड़के अंदर घुसे और दरवाजा खोले, तब उनके बाकी साथी भी अंदर प्रवेश किए। एक कमरे की लाइट जल रही थी और एक कमरे के पलंग में एक महिला और पुरुष सोए हुए थे। अलमारी खोलकर बैग निकाले, इतने में सोए हुए मित्तल दंपति जग गया। वहीं 6 आरोपियों के द्वारा मित्तल दंपति की तकिया से गला दबाकर हत्या कर दिए। घटना के बाद बैग में रखे रुपए लेकर दरवाजे के रास्ते भाग निकले। जाने से पहले सभी एक स्थान पर रुके और संदीप अपने साथियों को क्रमशः 20,000, 19,000, 18,000, 14,000 और एक को 9,000 रुपए बांटे। बाकी रुपए बैग सहित अपने पास रखकर बाकी रुपए का बाद में बंटवारा कहने की बात कहकर कुछ दिन तक अलग अलग छिपने की बात कहकर वहां से निकल गए। इसी दरमियान सीसीटीवी फुटेजों की जांच कर रही साइबर टीम को फुटेज में साई पेट्रोल पंप के पास दिनांक 22 सितंबर की रात्रि 3-4 लड़कों का मूवमेंट दिखा, जो मित्तल निवास के पीछे वाले रोड से होकर चखना सेंटर की तरफ गए थे और कुछ देर बाद उसी पीछे वाले रास्ते पर जो हत्या के घटना स्थल की ओर जाता है, जाते दिखाई दिए। जिसके बाद पुलिस टीम चखना सेंटर के मालिक अर्जुन साहू को संपर्क कर वहां का फुटेज दिखाया, जिसमें 3 लड़के चोरी करते दिखाई दे रहे हैं। चखना सेंटर के मालिक के रिपोर्ट पर धारा 457 380 IPC एक्ट कायम किया गया। पुलिस टीम तत्काल संदिग्धों की पतासाजी कर 3 नाबालिग बालकों को हिरासत में लिया। चखना सेंटर के मालिक अर्जुन साहू ने बताया कि दुकान का एलिवेटर तोड़कर अज्ञात आरोपियों द्वारा दुकान से गुटखा, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, बाटल व कुछ नकदी चोरी कर ले गए हैं। पुलिस टीम द्वारा हिरासत में लिए गए संदिग्ध बालकों से पूछताछ में चखना सेंटर में चोरी की वारदात कबूल किए। साथ ही मित्तल निवास के पीछे स्थान पर ढेर में पड़े गुटखा पाउच रेपर संबंधी संबंध में कड़ी पूछताछ करने पर नाबालिगों द्वारा चखना सेंटर में चोरी के साथ निर्माणाधीन मकान के पास मित्तल निवास में 2 लोगों की हत्या कर चोरी करना भी कबूल कर लिया है। नाबालिग बालक व आरोपी अक्षय प्रधान उर्फ मुंडू निवासी लैलुंगा को हत्या सहित नकाबजनी के धारा 457, 380, 302 IPC में हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया जा रहा है और फरार आरोपी की सरगर्मी से पता की जा रही है। साथ ही पकड़ में आए अपराधियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। ये घटना बुधवार की रात को और गुरुवार की दरमियानी रात जो है 22-23 तारीख को ये घटना हुई थी, जिसमें मृतक मदन मित्तल और मृतिका अंजू मित्तल का शव बरामद हुआ था।
साथ में पास के अलमिरा से कुछ सामान भी गायब होना बताया गया था। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसमें तफ्तीश शुरू की और आसपास के सारे सबूत और जो भी सुराग मिल सकते हैं वो जुटाना शुरू किया। तो इससे ये पता लगा कि पीछे की साइड से एक रोड जाती है, वो ये रोड पेट्रोल पम्प की तरफ में निकलती है। तो हम लोगों ने पेट्रोल पम्प और उसके आसपास के एरिया का फुटेज देखना शुरू किया और छानबीन करना शुरू किया। तो उसमें पता लगा कि पेट्रोल पम्प के फुटेज में कि रात को 12 से और 2:30 बजे के बीच में कुछ लड़कों की मूवमेंट वहाँ पे हुई है। फिर हमने चेक किया तो ये पता लगा कि सामने जो चकना सेंटर है पेट्रोल पम्प के सामने, उसमें भी एक छोटी चोरी हुई है जिसमें कुछ चकना का सामान, कुछ जर्दा गुटखा इस तरह का सामान गया है। लकीली चकना दुकान के अंदर में एक CCTV लगा हुआ था, वो CCTV में 3 लड़कों का फुटेज आया। हमने उस फुटेज की बेसिस पे अलग अलग टीमें तय की और उन टीमों को जगह जगह हमने घुमाया। तो उसमें से जो 3 लड़के हैं वो झगरपुर गांव के हमको उसमें पकड़े गए। उन 3 लड़कों को ले जाके हमने जगह जगह फिर जो घटना उन्होंने क्या किया था, किस तरह की घटना की, उसका हमने डेमो करवाया। तो तीनों लड़के बड़ी आसानी चकना दुकान की घटना के बारे में बताए। बट जैसे ही वो लोग उधर बोलते कि हम उधर से चकना दुकान से पीछे की गली में घुसे, तो सबका वर्जन अलग अलग आता था कि कुछ और बताता, कोई कुछ और बताता। तो उससे हमको शक हुआ कि ये लोग कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं। फिर हमने थोड़ा सा और उनसे डिटेल में पूछताछ की और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो उन्होंने बताया कि हम एक घर में वहाँ से घुसे थे। और हमने फिर पता किया कि तुम्हारे साथ में कौन का था, तो उन्होंने और भी 3 लड़कों का कि हम 3 के ग्रुप से और मिले थे और उनके बारे में हमको बताया। जैसे जैसे हमने डिटेल में पूछताछ करते गए, धीरे धीरे करके वो हमको डिटेल बताया। उन्होंने पूरा बताया कि हम कैसे कैसे उसके अंदर घुसे थे, कैसे कैसे हम अंदर गए। हमने पहले सारे पूरे घर का ऊपर से नीचे तक रेकी किया था, घर में कौन कौन सोया था, ये सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी। और फिर बाद में हमने किस तरह से घटना की, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 नाबालिग और 1 बालिग लड़का घर के अंदर घुसे थे और 2 लड़के बाहर सड़क की तरफ निगाह रखने के लिए खड़े हुए थे। इन्होंने घर में घुसने के बाद में, क्योंकि इनको आलमारी खोलने का कोई तरीका नहीं मिला था, तो उन्होंने ज़ोर से आलमारी को पकड़ के खींचा था, जिसकी आवाज़ से जो मृतिका अंजू अग्रवाल है वो उठी थी। तो 3 जो नाबालिग बच्चे हैं उन तीनों ने मिलके तकिए से दबा के, एक ने पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के और तकिए से दबा के उनको मारा था। उसकी बेड में हलचल के बाद में जो मृतक मदन मित्तल है वो उठे थे, तो उनको लिया था लाल रंग का, वो दुकान वाला भी बताया है, बट वो शक्ल उसकी नहीं पहचानता इस तरीके से, क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए रहा था। बट वो बताया मेरे यहाँ से बैग खरीद के लोग लेके गए थे। तो हमने वो कपड़े भी बरामद किए हैं इनके घर से और अब आगे की तलाश हमारी संदीप के लिए जारी है। कितने आरोपी हैं, कितने पकड़े जाएंगे? टोटल 6 आरोपी हैं, जिनमें से 5 पकड़ में आ गए हैं। एक जो आरोपी है जिसके पास अभी सामान का बैग है वो अभी फरार है। उपलब्धि है इसका अंदाज़ा तो पब्लिक ही लगाती है कितनी बड़ी है कितनी बड़ी नहीं है। बट हमारे लिए रिलीफ की बात है कि हमारा केस सॉल्व हुआ, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, जिसमें स्टार्टिंग से ही हम लोग काफ़ी उलझ भी गए थे, क्योंकि मोटिव समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आदमी बहुत सारा सामान छोड़ के चला गया और कुछ ही सामान लेके गया, और चोरी के इरादे से ही आया था, क्या उनको मारने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी। तो हम इसमें उलझ गए थे कि पारिवारिक मामला तो नहीं है, कहीं आपसी रंजिश का मामला तो नहीं है, कहीं पॉलिटिकल मामला तो नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये एल्डर मैन में, तो बहुत सारे एंगल्स हमारे सामने आ रहे थे। तो उन सभी एंगल्स पे हम लोगों ने काम किया, बट एंड में हम इसी निष्कर्ष पे पहुँचे कि ये लोग इनके आरोपी थे। कुछ घंटों में नहीं, वैसे हमको इसमें 3 दिन लग गया इसको सुलझाने में। और इसमें IG साहब ने अपना बताया है कि 25,000 रुपये का इनाम IG साहब की तरफ से दिया जा रहा है। बाकी हम भी इंडिविजुअली अलग अलग टीमों को बुला के इसमें पुरस्कृत करें। कई टीमों ने बहुत अच्छा काम किया था, हमने कई इंस्पेक्टर्स के साथ में टीमें बनाई थी। हमने घरकोड़ा थाना प्रभारी, तमनार थाना प्रभारी, यहाँ से चक्रधर थाना प्रभारी, पूंजीपतरा थाना प्रभारी, उधर धर्मजयगढ़ थाना प्रभारी, धर्मजयगढ़ में पुरानी पारा थाना प्रभारी अंजना, इन सभी को हम लोगों ने बुलाया था। कई सारे सब इंस्पेक्टर अलग अलग थानों से बुलाए गए थे, उन सभी ने अपना बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इसमें दिया था। उन सभी को हम लोग इनाम देंगे आने वाले दिनों में, और IG साहब ने भी अनाउंस किया है कि वो इनाम भी देंगे। साथ में जो ऑफिसर्स इसमें शामिल हैं उनको कमेंडेशन लेटर भी IG साहब की तरफ से मिलेगा, और बाकी के उच्च अधिकारियों ने भी इसमें सभी को बधाई दी है और सभी को पीठ थपथपाई है कि बहुत अच्छा काम इसमें हुआ है। सर एक सवाल,
हाँ, ये मैं मानता हूँ कि वो सबसे क्रुशियल आरोपी अगर बोला जाए एक तरीके से, तो उसको बोला जा सकता है। वो बहुत जल्दी ही पकड़ाया जाएगा और उसके पकड़ाने के बाद में हम लोग बाकी का खुलासा जो भी है, रकम या जो भी लेके गए, अभी तक उसके बारे में श्योरिटी नहीं है। जो पकड़े गए उन्होंने यही बताया कि उन्होंने 500-500 के नोट ही देखे हैं, उन्होंने और सामान नहीं देखा है। बट हम इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल नहीं नकार सकते कि और भी सामान हो सकता है, जिस तरह परिवार ने बताया है, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे और जल्द ही उसको रिकवर भी किया जाएगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।